नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारी के विषय में बात करते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि मेरा स्पेशलाइजेशन जो है मेनली कैंसर और लीवर फेलियर है, लेकिन फिर भी कई तरह की समस्याएं हमारे मानव शरीर के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार से इलाज किया जा सकता है, कैसे एक अच्छे तरीके से बहुत सेफर पद्धति के द्वारा आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली बीमारियों को जड़ मूल से समाप्त किया जा सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा केमिकल का सेवन ना करते हुए। इवन आपने देखा होगा कि कई लोग जब केमिकल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उसके कारण से भी उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है कि अगर किसी को अगर ऐसा महसूस होता है कि उसको किसी प्रकार की समस्या है, तो वो जब उसका पास्ट चेक करता है तो वहाँ पता चलता है कि वो समस्या इसलिए है क्योंकि वो पेशेंट ने पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एलोपैथिक मेडिसिन खाई या किसी प्रकार का भोजन के द्वारा केमिकल का सेवन किया। उसका परिणाम ये होता है कि वो लीवर को डैमेज कर देता है क्योंकि लीवर एक मुख्य अंग है। देखिए, इनडाइजेशन छोटी सी समस्या लगती है लेकिन लीवर के कारण है। पैरेन्काइमल थिकनेस डिफ्यूज हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। वो क्या होता है कि लीवर पहले फैटी होना शुरू होता है तो कोई भी सोचता है कि ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं, लीवर फैटी है, खाना पीना छोड़ेंगे ठीक होगा, लेकिन एक समय के बाद में फिर वो जो लीवर की समस्या है वो बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली सिरोसिस ऑफ लीवर, फाइब्रोसिस या इस तरह की कई तरह की समस्याएं आती हैं। कई बार लीवर की लॉब्स के अंदर उसके कारण से कुछ फैट की गांठें बनती हैं जो बाद में जाके कैंसरस हो जाती है, हेपाटोसेलुलर कैर्सिनोमा में भी तब्दील हो जाती है। तो इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उनकी शुरुआत जो होती है वो बहुत छोटे रूप से होती है और धीरे धीरे करके फिर वो शुरुआत जो है वो बिगड़ जाती है। जब बीमारी बिगड़ती है तो अल्टीमेटली आप देखते हैं कि वो समस्या गंभीर हो रही है। ये एक लाइव कार्यक्रम है, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या से पीड़ित हैं, आपके शरीर के संबंधित समस्या से, तो आप मुझे इसमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है जो व्हाट्सएप का नंबर है, वो व्हाट्सएप का नंबर अभी मेरे पास में ही है, वो यहाँ पर मेरे पास ही ओपन है। आप इस पर अभी मुझे अपनी रिपोर्ट्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं तो उसके अनुसार आपकी जो भी सजेशंस हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप अभी करेंगे जिससे अल्टीमेटली आपको जो बेस्ट सजेशन है वो मिल पाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स उनके पास में है, परेशान है, वो बीमारियों से संबंधित उनको है लेकिन उनको प्रॉपर सजेशन नहीं मिल पाता। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं भी सब लोगों को नहीं देख पाता टीवी पर जितनी देर आप मुझे लाइव देखते हैं। अदरवाइज जितने सेंटर्स हैं उसके ऊपर विभिन्न डॉक्टर हैं जो मेरे द्वारा ही ट्रेंड किए गए हैं, वो आप लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे सलाह ले सकते हैं यहाँ पर इस लाइव कार्यक्रम के दौरान। आप अपनी रिपोर्ट को अभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप का मैं इसी कार्यक्रम के दौरान आंसर दूंगा। ज़्यादा अगर व्हाट्सएप हो जाते हैं इस कार्यक्रम के दौरान तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो फिर इस कार्यक्रम के बाद में जब पहुँचेंगे तो हमारी टीम आपको आंसर कर देगी, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा, उसकी कोई समस्या वाली बात नहीं। तो ये नंबर आप अभी फीड कर लीजिए जिससे कि अल्टीमेटली आपको अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप करने में आसानी हो जाए और अल्टीमेटली आप मुझसे उस चीज़ का सजेशन ले पाएं। आपने देखा होगा लाइव कार्यक्रम के दौरान आप लोग प्रश्न पूछते हैं, मेरे को ये हुआ वो हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की रिपोर्ट्स भी पेशेंट के पास होती हैं लेकिन उसका पता ही नहीं होता उसको कि उन रिपोर्ट्स के अंदर क्या है नहीं है। तो इस कार्यक्रम के दौरान आप वो भी भेज सकते हैं अल्टीमेटली, जिससे आपको पता चले कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है और उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट सलाह क्या हो सकती है जिससे कि आपके शरीर को, आपकी सेहत को बचाया जा सके। तो ये लाइव कार्यक्रम है, इसके दौरान आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। दर्शकों, जब हम बात करते हैं लीवर की तो लीवर में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनमें कुछ समस्याएं लीवर फेलियर तक लेके जाती हैं। शराब पीना एक मुख्य कारण है जिसके कारण से लीवर की समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन क्या शराब पीना ही एक कारण है, ये एक प्रश्न चिन्ह वाला विषय है। इसके लिए जब हम देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि केवल शराब इसका कारण नहीं है, इसके कुछ और भी कारण है, उसके विषय में बात करते हैं। एक दर्शक जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा एक फ्रेंड है तो उसके अभी लीवर फैटी हो गया है, मतलब उसमें कुछ वो पस वगैरह ऐसा कुछ हो गया है। नहीं देखो सर, एक मिनट मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको टोकते हुए, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं दो चीज़ें बता दूँ। लीवर फैटी होना और लीवर पस होना, दैट इज़ कॉल्ड एब्सेस। अगर एब्सेस उसके अगर लीवर के अंदर कहीं भी क्रिएट हुआ, राइट लॉब या लेफ्ट लॉब के ऊपर, तो वो एक अलग रोग है। उसके कारण कई तरह के कारण हो सकते हैं, आई एच बी आर डायलेटेड है या कुछ और रीज़न है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली कि फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर तो किसी का नॉर्मली भी हो सकता है।
नो डाउट कि फैटी लीवर बाद में जाने के बाद में अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है और वो भी लीवर के फाइब्रोसिस का एक कारण बनता है। अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, मेरे दर्शक समझ गए होंगे कि कहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, जी उन्होंने वो डॉक्टर ने बताया कि उनके पानी भर गया लीवर में, वो असाइटिस हो गया ना उसको, तो असाइटिस हुआ तो इसका मतलब सिरोसिस ऑफ लीवर है। क्या शराब शुरू पीता था, क्या चक्कर था, कैसे हुआ जी? शराब अल्कोहल लेते थे आपके फ्रेंड? नहीं नहीं अल्कोहल सबसे बड़ी बात है, अल्कोहल नहीं लेते थे वो, और कोई ऐसे चीज भी नहीं खाते थे। कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? हॉस्पिटल में हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं। तो फिर आप आ जाओ ना, कल आ जाओ सुबेरे मेरे पास में उनकी रिपोर्ट्स लेके, क्योंकि अल्टीमेटली सारी रिपोर्ट्स आप ले आओ। देखो जब अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ है, उसको असाइटिस है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसके प्लेटलेट काउंट डाउन जा रहे होंगे, कभी मुंह से ब्लड आया है उसको, आपको पता है उसके केस के बारे में पूरा? नहीं नहीं मुंह से ब्लड नहीं आया, उनके पेट में बहुत तेज पेन हुआ, तो कई दिनों से पेन था, तो उनको एडमिट कराया, उन्होंने तो पता लगा और अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा लीवर में थोड़ी सी एक्सरसाइज आया, तो उसके बाद चेक किया तो उनके पानी भरा बताया। तो देखो दोनों चीजें अलग अलग है, अगर एब्सेस आया तो वो एक अलग कंडीशन है, बट अगर असाइटिस है तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कई बार ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, इसको इंटर पेरिटोनियल ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। होता क्या है कि एल्बुमिन ड्रॉप कर जाता है सिरोसिस ऑफ लीवर में, और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी का वाटर है वो हमारे एम्प्टी स्पेसेस के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम असाइटिस कहते हैं। एक और कॉलर जुड़े हैं। यस जी बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं अमित शर्मा बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। अच्छा जी बताइए सर। सर ऐसा मेरे को काफी लॉन्ग टाइम से ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, हर कई तरह की मेडिसिन ली एलोपैथी, लेकिन मेरे को आराम नहीं आता। वो आराम आएगा नहीं शर्मा जी, असल में क्या है कि मेरे कल के कार्यक्रम में मैं यही बता रहा था, मैंने कहा देखो अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की जो लोग दवाइयां लेते हैं ना वो हार्डली कॉन्स्टिपेटेड हो जाते। होता क्या है जैसे अगर इंटेस्टाइन स्टिमुलेट नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से, प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो वहां पता चलता है कि कई बार कुछ कंडीशंस के अंदर मोशन इतना हार्ड हो जाता है कि और इंटेस्टाइन स्टिमुलेट करती नहीं है, तो वो फिर आप उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब उस कंडीशन में होता क्या है, आप लोग फिर कुछ मेडिसन्स लेते हैं, मेडिसन लेने के बाद में कुछ उस इंटेस्टाइन से इननेचुरल करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मोशन पास हो जाए, वो कुछ दिनों तक वो प्रक्रिया वर्क भी करती है। आपने कोई लिया है कोई लेक्सेटिव? हाँ जी ये सब लिए हैं, तो कैसे ऐसा लगता है मोशन क्लियर हो जाएगा बस? नहीं वो हो जाएगा उसमें को, वो थोड़ा सा लीवर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर रहा खाने को, अगर फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होगा तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि आपको इस तरह की कोई समस्या आ जाए। आप आ जाओ या तो कल आप आ जाओ, फिर इसके लिए जो भी है वो चेक कर लेते हैं। अगर ओटीपीटी तो नहीं बढ़ा हुआ ना आपका, एसजीओटी एसजीपीटी तो ठीक है वो तो फिर मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ठीक करने में। अगर वो बढ़ा होता है तो कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है ठीक करने में, बट अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप आ जाओ कल मॉर्निंग में, क्या दिक्कत है? कल आप मेरे पास क्लिनिक पे आ जाओ। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप उस नंबर से अपना एक बार कल की अपॉइंटमेंट ले लो, कल मॉर्निंग में आप आ जाओ, इसका ये कोई खास समस्या नहीं है। मुझे लगता है एक आध महीने अगर आप लग के इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो शायद ये समस्या परमानेंट आपकी दूर हो जाएगी, नहीं तो यही कॉन्स्टिपेशन बाद में रेक्टम कैंसर क्रिएट करती है। कॉन्स्टिपेशन रहती है लोगों को, पहले पाइल्स होता है, वो सोचते शायद बवासीर हो गया, फिर बाद में वही बीमारी बढ़ते बढ़ते अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है इस तरह की कोई समस्या पैदा ना हो आपके साथ में, तो उससे पहले ही उसका ट्रीटमेंट कराने में ही समझदारी है। अगर ऐसी आप लेक्सेटिव लेते रहेंगे तो वो तो एक दिन आपका पूरा इंटेस्टाइन को ही डैमेज कर देगा और फिर आपके लिए ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाकी आप थोड़ा रॉ फूड तो खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब तो खाना ही है आपने। तो दर्शकों ये एक समस्या होती है, लोग सोचते हैं कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का कोई उनको ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसको उनको लगता है कि शायद हम अपना कोई लेक्सेटिव ले लें, कुछ टैबलेट्स मार्केट से लेके खा लेते हैं। नो डाउट वो कुछ दिन तक असर भी करती हैं, लेकिन उसके बाद में फिर समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो समस्या ये होती है कि वो इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट नहीं करती, और जब प्रॉपर स्टिमुलेट नहीं करेगी तो फिर हार्डली कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो वो फिर आपके लिए और भी गंभीर समस्या है। ये किसी का आया है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं बताता हूँ आपको। ये किसी पेशेंट की आपने भेजी है रिपोर्ट, इसके अंदर आपका ये देखो रिपोर्ट कटी हुई है, मेरे ख्याल से एसजीओटी एसजीपीटी है, मिसेस किरण एसजीओटी एसजीपीटी इनका हाई है, ये इन्होंने रिपोर्ट अभी भी भेजी है, 79 आ रहा है। ठीक है अभी आ गई रिपोर्ट मेरे पास में, ये आपका एसजीपीटी जो है वो 79 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, आप कुछ किसी तरह की कोई समस्या? मुझे लगता है ज़्यादा ऑयली या फैटी फूड आप खाते होंगे, आप उसको थोड़ा अवॉइड करो, फाइबर फूड ज़्यादा लो, और अगर आपको लगता है कि आपके लीवर में पेट में कहीं पर दर्द है किरण जी, तो आप मेरे क्लिनिक पे आके भी सजेशन ले सकते हो, इसकी मेडिसिन मिल जाएगी, वो आपका ठीक हो जाएगा, उसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या तो है नहीं। लेकिन ये समस्या अगर एसजीओटी एसजीपीटी आपका बढ़ा रहेगा तो इट कैन बी डेंजरस समटाइम,
ये आगे बढ़ते बढ़ते कई बार पूरा ही इंडाइजेशन क्रिएट करता है, बहुत तरह की समस्याएं पैदा करता है। खैर, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने इस तरीके से रिपोर्ट को भेजा, आपने समझा कंसेप्ट को कि इस कार्यक्रम का कंसेप्ट क्या है। लोग क्या है कि कंसेप्ट नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि फ़ोन है तो सिर्फ करने के लिए। आज टेक्नोलॉजी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने लाइव बैठा हूँ, आप मुझे लाइव रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, आप मान सकते हैं कि आप कितना अच्छा एक आपको सजेशन मिल रहा है। आपने इमीडिएटली भेजी, अब मैंने देखा कि हाँ आपकी कहाँ कहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। अगर आपका कोई अल्ट्रासाउंड हो तो वो भी आप इस कार्यक्रम के दौरान भेज देना, तो उस अल्ट्रासाउंड के अंदर जो भी होगा वो मैं देखकर ये भी देख लूँगा कहीं किसी तरह का कोई अंदर सिरोसिस या कुछ और डेवलप तो नहीं हो रहा आपके, जिसके कारण एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है। बट अगर आपका एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मली बढ़ा है तो वो नॉर्मल ही ट्रीटमेंट से ठीक भी हो सकता है। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दर्शकों, होता क्या है कि हम लोग ना कई बार इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। अब वो इग्नोर कैसे होता है, मैं आपको उसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब एक पेशेंट है, अब मान के चलो कि उसको छोटी समस्या पैदा हुई। जब छोटी समस्या पैदा होती है, वो सोचता है कि यार अब इसका मेरे को क्या इलाज करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि इसका इलाज ये है, आप फलाने केमिस्ट से दवाई ले लो, वो वाला चूर्ण ले लो। एक तो डॉक्टर बहुत सारे हैं ना, जिसे देखो वही अपने आप की अपनी डॉक्टरी दिखाता है। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ये होता है कि जो व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा होता है वो फिर साइड इफेक्ट से भी जूझता रहता है। उसको पता चलता है कि जो जो चीज़ें उसने खाई हैं उनका भी साइड इफेक्ट हो गया। तो इस तरह की समस्या आपके साथ ना हो तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए। ये कार्यक्रम के दौरान मैं आपको इस कार्यक्रम के दौरान प्रोफेशनल ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा कि अल्टीमेटली एक अच्छे तरीके से अगर आपको किसी भी चीज़ को करना है तो आप क्या वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए ट्रीटमेंट हो सकता है, और आपकी दिनचर्या जीवनचर्या क्या हो सकती है जिसके कारण आप अपने रोज़मर्रा के जीवन के अंदर चीज़ें सेवन करके इस्तेमाल करके कोशिश करें कि आपको किसी भी तरह की समस्या हो ही ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ही डॉक्टर होता है। डॉक्टर का काम ही यही है कि वो आपकी प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करे, आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली पैदा होने वाली बीमारियों के विषय में आपको बताए, और फ्यूचर में आपको गाइड करे कि आपके साथ ये समस्या आपकी इस दिनचर्या से इस भोजन से हो सकती है। आपकी रिपोर्ट कराई, उसके अंदर अगर ओटीपीटी बढ़ा रहा है तो भाई देखो ये तो आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कॉमन ब्लैडर ब्लॉक हो जाए। कई बार कुछ केसेस के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं, उसके अंदर भी ओटीपीटी रेज कर जाता है, जॉन्डिस बिलिरुबिन भी रेज कर जाता है, उसके अंदर जॉन्डिस हो जाता है पेशेंट को। कई लोगों को 1.8 के आसपास जॉन्डिस रहता ही रहता है, और मेरे पास आए वो उन्होंने बोला कि हमारे को तो पिछले 10 साल से उनको पता ही नहीं है विल्सन सिंड्रोम है, कॉपर डिपोजिशन हो गया अगर टिश्यू के अंदर तो वहाँ पर उसके कारण से उनका जॉन्डिस बढ़ा हुआ है, 1.6-1.8 के आसपास रहता है। वो सोच रहे शायद ये कॉमन है कि ये हो गया तो अब इसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अब ये तो ऐसे ही रहेगा सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ के लिए आप एक बात मेरे दर्शक ध्यान दें, शरीर में आपकी मात्रा जो है वो रेंज के अंदर होनी चाहिए। अगर आप रेंज के आसपास हैं या रेंज के आउट है, कई लोगों का क्रिएटिनिन क्या है कि साहब किडनी फेल है, 1.2 होना चाहिए क्रिएटिनिन मान के चलो तो 1.5 है, कह रहे हमारा तो डेढ़ ही रहता है, उनको ये पता ही नहीं 1.5 होने तक उनकी किडनी 35% फेल हो चुकी है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, हार्ट उनका वीक हो चुका है। वो सोचते हैं, लेकिन क्या है कि शरीर जब तक चल रहा है तो वो सोचते हैं कि जब तक शरीर चल रहा है इसका मतलब है कि ये शरीर चलता रहेगा एंड दैट्स ऑल, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, आगे जब अपना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी तब देखेंगे। और फिर ऐसे लोग बाद में जाके परेशान भी होते हैं। ऐसी समस्याओं का शुरू में अच्छे से इलाज किया जा सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि उसका इलाज कैसे करना है कैसे नहीं करना। लाइव कार्यक्रम है, इसमें आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और आप अपनी समस्या बता सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस पे जो भी आपकी रिपोर्ट्स होंगी उसके आधार पे आपको बताया जाएगा कि आगे आपने क्या करना है। ये अभी एक रिपोर्ट आई है मेरे पास में, ये इनका नाम नहीं आ रहा है पेशेंट का, इसके ऊपर शायद अल्ट्रासाउंड की है, ये फैटी चेंजेस हैं लीवर के अंदर। हाँ तो फैटी लीवर है ना भाई साहब आपका, ये आपका नाम नहीं आ रहा है, ये रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, लास्ट में फ़ोन के 63120 है, तो ये नंबर से मेरे पास मैसेज आ गया, इसमें मैंने देख लिया आपकी रिपोर्ट, इसमें आपका जो आ रहा है ना फैटी लीवर आ रहा है। फैटी लीवर इस कारण से हो सका है कि आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल या तला पका खाया होगा, कुछ ना कुछ कार्बोज आपकी बॉडी में गए हैं जिनको आपकी शरीर ने डाइजेस्ट नहीं किया और अल्टीमेटली फैटी चेंजेस आ गए। अब इसके कारण पेट भारी रहेगा, ओटीपीटी रेज रहेगा, कई कंडीशंस के अंदर खाना खाने के बाद इनडाइजेशन हो जाएगा। वो ना हो तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना कोशिश करें कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, ये गुरविंदर जी हैं, इन्होंने अभी मेरे को दोबारा व्हाट्सएप करके बता दिया, धन्यवाद आपका, आपने अपना नाम बताया।
तो इसमें आप कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना साधारण भोजन लें और मेरे क्लिनिक पे आ जाएं, क्योंकि फैटी लीवर है तो इसका इलाज अभी शुरू में किया जा सकता है। आने वाले समय में क्या होगा कि ये लीवर फिर श्रिंक करना शुरू हो जाता है, जो एक बार फैटी, एक बार क्या है कि स्पैन बढ़ता है लीवर का, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं, जब वो श्रिंक होना शुरू होता है तो फिर वहां पर क्या है कि टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, उसकी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर सिरोसिस की तरफ आदमी जाता है। आधा बीमार कोई भी व्यक्ति अज्ञानता के कारण है, आधा बीमार वो ऐसे नहीं है कि मतलब बीमार है किसी कारण से बीमार है, वो अपनी अज्ञानता के कारण, उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ आज ये समस्या हुई, ये आगे बढ़ के मेरे को क्या नुकसान कर सकती है, वो उसको कहता है लेट इट बी, जो होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन जब वो होती है तो फिर वो देखा नहीं जाता उससे, फिर वो कहता है ये तो मैं कहाँ फंस गया, कितनी बड़ी मुसीबत होगी मेरे साथ में। तो गुरविंदर जी फिर आप आओ, फिर अपना जो भी अपॉइंटमेंट है आप ले लो, स्क्रीन पे नंबर चल ही रहा है, फैटी चेंजेस हैं आपके लीवर में, देखते हैं, नहीं तो इस कार्यक्रम के बाद में मेरा स्टाफ आपको कॉल कर लेगा, जो भी होगा आपकी समस्या और जो रिपोर्ट्स हैं वो मंगा लेंगे, उसके हिसाब से आगे आपको सजेशन दे दिए जाएंगे। अब दर्शकों होता क्या है कि टेस्ट एंड डायग्नोसिस की हम बात करते हैं, जब टेस्ट एंड डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, ये एक और किसी पेशेंट ने रिपोर्ट भेजी है, वेरी गुड, ओहो ये इन्होंने रिपोर्ट भेजी है मेरे पास में, और इनका नाम है शबनम शानू, राइट। अरे ये तो बहुत ज़्यादा बिलरुबिन तो बहुत बढ़ा हुआ आपका, बिलरुबिन भी बढ़ा हुआ, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लक्षण है, क्योंकि आपका ओटीपीटी भी 582 और 866 आ रहा है ओटीपीटी, तो ये अगर इतनी ज़्यादा समस्या है ये तो बहुत तकलीफ वाला काम है, कोई लीवर कैंसर वेंसर ना हो उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, कहीं ऐसा हेपेटोसेलर कैर्सिनोमा में भी ऐसा होता है, और कई बार ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी होता है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट होगी कॉमन बाइल डक्ट में, तो ओटीपीटी रेज कर जाता है, रेज कर जाएगा तो फिर आपके साथ यही समस्या रहेगी, जो ओटीपीटी रेज है तो उसके बाद पेट में पानी भर जाएगा, अल्टीमेटली एल्बुमिन ड्रॉप कर जाएगा, कुछ कंडीशन के अंदर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी के अंदर 4000 से भी नीचे चला जाता है, और वाइट ब्लड सेल में लगातार इन्फेक्शन होता रहता है। तो ये सब समस्याएँ आपकी जो रहती हैं, ये इसका क्या रूल आउट है वो करना पड़ेगा। अभी आपने मुझे शबनम जी केवल अपनी जो भेजा है वो LFT की रिपोर्ट भेजी, आप मुझे अपना अल्ट्रासाउंड अभी और भेज दो, अगर अभी भेज दोगे तो मैं अभी देख के बता भी दूंगा आपको क्या समस्या है, और उसके हिसाब से आपने नेक्स्ट क्या करना है वो भी देख लेंगे। हाँ जी, ये एनलार्ज प्रोस्टेट है, रीनल कॉर्टिकल सिस्ट है, और इसका मतलब हो गया कि इनके प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं, ये जो भी पेशेंट हैं, जम्मू से बोल रहे हैं, राम, डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा, जम्मू राम पेशेंट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा। ये आपकी रिपोर्ट मैंने देख ली है, इसके अंदर आपका प्रोस्टेट जो है वो बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेटोमी के लिए, तो इसका प्रोस्टेट अगर बढ़ा है तो आप इसका PSA एंटीजन जो आपने कराया हो वो आप मुझे भेज सकते हैं। PSA एंटीजन अगर आपका नॉर्मल करने के लिए आप कोई भी यूरिमैक्स या कोई टैबलेट ले रहे हैं तो उसको कैसे बंद किया जाए वो मैं आपको बता दूंगा, प्रोस्टेट का तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। एक कॉलर जुड़े, बात करते हैं, हेलो, नमस्कार डॉक्टर। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं मीनू करनाल से बोल रही हूँ, मैं 36 इयर्स की हूँ, एक्चुअली मुझे गैस की प्रॉब्लम आ रही है, लीवर तो नहीं फैटी हो गया थोड़ा, एक थायराइड है, मतलब मैं थायराइड की टैबलेट नहीं लेती, 5 की रेंज में थायराइड रहता है मेरा, थायराइड से ज्यादा नहीं जाता, टैबलेट लेती नहीं, लेकिन तब से टैबलेट छोड़ी तब से गैस की प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, थायराइड हमारा मेटाबॉलिज्म का ग्लैंड होता है, और अगर आप उसको छोड़ देंगे थायराइड की टैबलेट को तो वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। आपका वजन कितना है? मेरा वजन, मैंने जैसे टैबलेट कहीं से आयुर्वेदिक दवाई ही ली थी तो मेरा 90 था, 90 से 67 मैंने कम किया, हाँ, वापस से मेरा 90 के आसपास चला गया है। नहीं तो देखो, अगर आपको हाइपोथायराइड है ना तो आप समस्या समझने की कोशिश करें कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो उस कंडीशन के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म तो स्लो है ही, ये तो आपको पता ही है कि आप भी कह रहे हो कि मेरे को इंडाइजेशन रहता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि लीवर का प्रॉपर फंक्शन नहीं करने से ही थायराइड डिस्टर्ब होता है, थायराइड ग्लैंड ही मेटाबॉलिज्म का है। देखो क्या होता है, जब आपका थायराइड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, हाइपो है या हाइपर है, हाइपर है तो आपको बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, और अगर हाइपो है तो बहुत कम काम कर रहा है तो वजन बढ़े जा रहा है, हाइपर है तो वजन घटे जा रहा है, तो इसी चीज़ से समझ लेना चाहिए कि आपके मेटाबॉलिज्म पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, आपके पाचन तंत्र को जो आपका है, जो भी आपका स्लीवा है उसको मेंटेन करने के अंदर थायराइड का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी से ही आपका जो बनाया हुआ भोजन है वो पचता है। पहला निर्देश, अपनी आप थायराइड फंक्शन टेस्ट जब भी आपके हस्बैंड बाहर से आ जाएं करा के आप कंसल्ट कर लो, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, अपॉइंटमेंट लेके आ जाना, ऑनलाइन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास में, व्हाट्सएप भेज देना, जब तक मैं टीवी पे लाइव रहता हूँ तो व्हाट्सएप आपके आराम से देख सकता हूँ, उसके बाद तो फिर स्टाफ ही देखता, वो बात कर लेगा। और भी हैं हमारे पास में, ये किडनी की प्रॉब्लम है पेशेंट को, अरविंद कुमार जी,
ठीक है। अच्छा, स्कार भी है इसके अंदर। ये मुझे लगता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई है इनके साथ में। ये एक है, लास्ट में नंबर है 829 और नाम है इनका अरविंद कुमार। अरविंद कुमार की मैं रिपोर्ट देख पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे इन्होंने मेरे को भेजी है। इसके अंदर इनका किडनी का इशू है। ये कब से है, कब से नहीं है, ये भी ज़रा एक बार आप इसी पे लिख दो। यूरिया क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है, 6.3 है और 84 यूरिया है और क्रेटिनिन 6.3। ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो ना, अपना DT पे स्कैन और करा लो, जिससे पता चल पाए कि आपका प्रॉपर तरीके से GFR कितना है, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट को जानना भी जरूरी है। अगर आप फिल्ट्रेशन रेट को जान लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा और मेरे को भी बहुत ईजी रहेगा। GFR बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो उसको चेक कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसको चेक करा लेते हैं, कराकर और जो भी आपकी आगे की समस्या है उसका समाधान आपको बता देते हैं। ये अगेन आ गया शबनम जी का, एक ही पेशेंट बार बार रिपोर्ट ना भेजें मुझे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो मैं बताना है वो मैं बता चुका हूँ, और हो सकता है तो अपना जैसे भी हो सकता है इसकी डायग्नोसिस के लिए शबनम जी आप उससे आके मिल लें। और अरविंद जी, आपने जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजी है उसने बता दिया है कि आपकी समस्या बड़ी है, क्योंकि इसके बाद में फिर आपका डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। डायलिसिस अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर आपके लिए हो जाएगी दिक्कत वाला काम, वो फिर संभालना हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि रोज़ रोज़ जाओ डायलिसिस कराओ, और अल्टीमेटली आप भी समझ ही सकते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि हल्का है। सेकेंड थिंग ये है कि जैसे ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है कुछ लोगों का, आप इसमें अरविंद जी अगर हो सके आप, आपकी रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, आप इसमें लाइव के अंदर ऊपर कॉल ही लगा लो ना, नंबर आपका चल रहा है स्क्रीन पे लाइव के ऊपर, उसमें मिला लो आप मुझे फ़ोन, बात ही कर लो, कम से कम मैं पूछ तो लूँ आपको ब्लड प्रेशर हाई है नहीं है, पूरे सिम्टम्स तो लिख दो, रिपोर्ट तो भेजी है आपने। बाकी ज़्यादा है तो नीचे नंबर है उसके ऊपर आप अपना अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन कंसल्ट कर लेना, तो फिर जो भी होगा उसमें ऑनलाइन बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। ये कन्फर्म है कि आपको DT पे स्कैन कराना होगा, आप चाहो तो उसका प्रिस्क्रिप्शन मेरे क्लिनिक से मंगा लो, मेरे डॉक्टर्स बैठे हैं वो दे देंगे प्रिस्क्रिप्शन, कोई ऐसी बात तो है नहीं। हाँ जी सर जी, एक काम करते हैं, एक बाइट आपको दिखाते हैं पेशेंट की, कि जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, जिनका लीवर काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, और अभी उनका काफ़ी ज़्यादा हद तक लीवर ठीक है, तो क्यों ना उसको देखा जाए कि किस प्रकार से बिल्कुल अंतिम अवस्था के पेशेंट को भी ठीक किया जा सकता है। जी भाई सर, नाम बता दीजिए अपना। सुनील यादव। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। जी गाजियाबाद से, क्या दिक्कत थी आपको? लीवर सिरोसिस था। सिरोसिस ऑफ लीवर? जी सर। शराब पीते थे क्या आप? जी सर। अच्छा, काफ़ी अल्कोहल लिया है कि थोड़ा बहुत लिया है? काफ़ी ले लेते थे। काफ़ी ले लेते थे, तो इसमें ये क्या सिरोसिस में क्या दिक्कत आई थी आपको? खून की उल्टी वगैरह आई थी, क्या हुआ था? खून की उल्टी आई सर। खून की उल्टी कितनी बार हुई है? एक बार ही हुई थी सर। अच्छा, फिर एंडोस्कोपी करा लिया आपने? जी सर। तो कितने समय पहले की बात है ये? ये सर 3-6 महीने पहले फोर्टेज में भर्ती हुआ था सर। अच्छा, वहाँ पे कराई थी सर। वहाँ कराई थी, इलाज चला था। ठीक है, उसकी रिपोर्टें तो आपने हमारे पास जमा करी रखी है फोर्टीज वाली। अच्छा, ये फिर उस वक्त में आपको फाइब्रो स्कैन हो गया था, सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ, तो कितना लीवर डैमेज था आपका? जी सर। अच्छा, इसकी रीडिंग अराउंड फाइब्रो स्कैन की 43 आ रही है जी, तो इसका मतलब हो गया तकरीबन तकरीबन 70-80% लीवर आपका डैमेज हो चुका था। तो अब आपने ट्रीटमेंट ले लिया हमारे यहाँ पे, तो अब ये दोबारा भी आपने फाइब्रो स्कैन कराया? जी सर, गाजियाबाद कराया। गाजियाबाद में कराया है, ठीक है। ये इलास्टोग्राफी आपने करा लिया, इसके अंदर लिखा हुआ गया एवरेज लीवर स्टिफनेस इज 5.33, इंडिकेटिव नो फाइब्रोसिस, मेटावर स्कोर इज F1। इसका मतलब आपका लीवर बिल्कुल अराउंड नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा फैटी जरूर दिखा रहा है इसमें, पर सिरोसिस और फाइब्रोसिस नहीं दिखा रहा है। तो ठीक, इस कार्यक्रम का मकसद आप तक सही बात पहुंचाना है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को आयुर्वेद के द्वारा अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, किस प्रकार से आपको अलग अलग तरह की सलाहें समय समय पर आपको बचा सकती हैं। जैसा कि आपने इस कार्यक्रम के दौरान देखा कि एक पेशेंट जिनका लीवर काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, और अल्टीमेटली उनकी फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट में भी आया और उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला, अभी वो स्वस्थ हैं, तो कोई ऐसी बात है नहीं कि स्वास्थ्य लाभ होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़े अस्पताल में जाके कई लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं। जिसको स्वास्थ्य मिलना होता है वो तो वैसे ही मिल जाता है, और कई बार तो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर लोग OT से भी बाहर नहीं आ पाते। तो इस तरह की नेगेटिविटी तो देखो दूसरे जो प्रोफेशन है मेडिकल के उनके अंदर है ही, हाँ, लेकिन आयुर्वेद के अंदर ये चीज़ है कि आयुर्वेद आपका, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट है नहीं इसका, और काफ़ी हद तक आपकी जड़ से समस्याओं को दूर करता है। जब वो जड़ से समस्याओं को दूर कर रहा है तो कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर लाभ भी कर रहा है, और अल्टीमेटली आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए मैक्सिमम जितना हो सके आयुर्वेद का सहारा लें, क्योंकि अल्टीमेटली सेफेस्ट पद्धति आयुर्वेद ही है। कुछ लोगों के व्हाट्सएप में देख लेते हैं क्या है।
जो भी इस दर्शक इस कार्यक्रम के दौरान चाहें वो लाइव कॉल पे भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ, बिलरुबिन बढ़ा हुआ है, ये शुभम जी की रिपोर्ट है, 4.6 बिलरुबिन है। OTPT भी रेज्ड है, तो हो सकता है ये इसका रीज़न शुभम जी ये हो सकता है आपका जो आपकी रिपोर्ट है, आप अल्कोहल वगैरह लेते हो, कहीं सिरोसिस ना हो गया हो, और इतना ज़्यादा अगर जॉन्डिस आपको है तो कहीं ना कहीं पर लीवर का तो इफेक्ट है ही। आप अपनी एक बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और भेज दो, अगर उसके अंदर होगा तो पता चल जाएगा। अगर आपका सिरोसिस होगा तो उसके हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ये है आपका, और ये पूछ रहे हैं 26829 की GFR टेस्ट क्या होता है। हाँ, GFR टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका नंबर है लास्ट में 6829। ये पूछ रहे हैं कि GFR टेस्ट क्या होता है। देखो, GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, जिनका काम होता है प्रॉपर तरीके से फिल्टर करना, प्रोटीन को अंदर रखना और यूरिया और यूरिक एसिड जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर भेजना हमारे शरीर से। तो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को जो हमारी वेन्स जो हमारी अंजाम देती हैं फिल्ट्रेशन जो नालियाँ, उनको कहते हैं ग्लोमेरुलरी कैपिलरीज। ये कैपिलरीज वो होती हैं जो प्रॉपर तरीके से आपके प्रोटीन्स को आपके शरीर के अंदर स्टोर करती हैं और वेस्टेज और टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू मिक्स करके वाटर में आपके शरीर से बाहर निकालती हैं। जब ये फिल्ट्रेशन कम हो जाता है तो ऐसा ही हुआ जैसा आपके साथ हुआ, आपका यूरिया बढ़ गया, अल्टीमेटली आपका क्रिएटिनिन भी बढ़ गया। तो यूरिया और क्रिएटिनिन जो आपका बढ़ा है उसका रीज़न यही है, और कोई रीज़न नहीं है। तो इसलिए जैसे जैसे करके अगर दवाओं के द्वारा उस GFR को मेंटेन किया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर आपके यूरिया क्रिएटिनिन को कम करने में उसमें सहायता मिलेगी। तो उसके लिए आप DTP स्कैन करा लेंगे, अगर अपने को लगेगा 3 मंथ्स के अंदर कोई कहीं भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो अपने को पता चलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लोग बहुत मेंटेन हो जाते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं जिसमें पेशेंट काफ़ी मेंटेन हो गए, कोई ऐसी बात है ही नहीं उसके अंदर। वो मैं आपके साथ भी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है जो मैं वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए कर पाऊँ, यही मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं जो आपसा हो सकता है वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए करूँ। दर्शकों, होता क्या है, हम लोग कई बार अज्ञानता के अभाव के अंदर इस तरह के कदम उठा जाते हैं। आओ ठीक है, ये बता रहे हैं कि इनका BP 140 रहता है, ठीक है वो आपका हो गया, मैंने आपको बता दिया कि अब आपने क्या करना है, अब आपने GFR टेस्ट कराना है, आप DTP स्कैन करा ले, मैं दूसरे पेशेंट्स का देखना। अब यहाँ पर ये एक पेशेंट है हमारे, ये 4403, ये कह रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर रहता है, दवा लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं। तो आपने अपना हार्ट का टेस्ट कराना है ना, आप देखो किस कारण से रहता है। अगर आपका हाँ देखो, हार्ट का मैंने बोला, आपने लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट भेजी है, लिपिड प्रोफाइल आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ा हुआ है। हरीश्याम पांडे, ये आप कहाँ से हैं, ये आजमगढ़ से, ये आपने रिपोर्ट भेजी है मुझे, काफ़ी ज़्यादा है। और ये आपका प्रोटीन भी डबल प्लस आ रहा है भाई, इसका मतलब किडनी भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो चुकी है। 2+ यानी कि तकरीबन 200 के आसपास आपका प्रोटीन भी इसके अंदर लॉस हो रहा है। तो अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो ये तो एक गंभीर समस्या है, आपके किडनी का ऊपर इफेक्ट आ चुका है उस हार्ट की समस्या का, जबकि आप ब्लड प्रेशर की दवाई भी ले रहे हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो एलोपैथिक मेडिसिन से आप किसी भी तरह से सरप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपनी डिजीज़ को, तो वो कई बार उसका साइड इफेक्ट आ जाता है। मैं ये नहीं कहता, देखो अब आपकी भी मजबूरी है, अब आप तकलीफ में हैं, आपका BP हाई है, तो आप पेशेंट को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसके बाद पता चले उसको उसके नसें फट गई और उसको इन्फार्क्ट हो गया, ऐसा उसके लिए वो पैरालिसिस हो गया, इस कंडीशन के लिए नहीं छोड़ सकते। आप नज़दीक में जाते हैं डॉक्टर से, मेडिसिन लेते हैं, गुड है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ये अच्छा है। कभी भी इमरजेंसी हो तो आपको ज़रूर उसमें सलाह लेनी चाहिए, लेकिन साइमेंटेनियस ये भी देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर समस्या का परमानेंट समाधान भी किया जाए। अब BP आपका हाई हुआ, आपने ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली, ब्लड प्रेशर की दवाई ली, अब धीरे धीरे करके आप खुद देख लीजिए, ट्रिग्लिसराइड आपके बढ़े हुए हैं, डबल प्लस प्रोटीन आ गया, आने वाले और एक साल के अंदर आपके किडनी के ऊपर बैड इफेक्ट आ जाएगा, हो सकता है कि यूरिया क्रिएटिनिन भी आपका बढ़ जाए। दूर दराज के क्षेत्र के दर्शक जो मेरे पास तक नहीं आ सकते, अपनी रिपोर्ट मुझे ऑनलाइन कंसल्ट के लिए भेज सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। जो दर्शक मेरे नज़दीक के हैं वो मुझसे आके मिल सकते हैं, बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इस नंबर के अंदर आप ऊपर आप कॉल करें, कॉल करने के बाद आप अपने प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट्स डिस्कस कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप इतनी दूर हैं तो और आपका मरीज आने में असमर्थ है तो आप उसको मरने देंगे, आप उससे पहले का भी एक रास्ता हमने निकाला हुआ है, उसके लिए आप इस स्क्रीन पर जो नंबर है आप उसके ऊपर बात करिए। कल नए कार्यक्रम में फिर आपके साथ में किसी अलग विषय पर बात करेंगे, और आप एक बात ध्यान रखिए, नंबर व्हाट्सएप का आपको मैंने दे दिया, इसको आप नोट करके आप इस पर व्हाट्सएप भेजते रहिए, मैं नहीं भी देखूंगा, मेरे डॉक्टर्स देखेंगे, वो आपको अपने आप अपना कंसल्ट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।